गुड इवनिंग स्टूडेंट, यू ऑलरेडी सीन द मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सी द एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 58. द फर्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस इज 100, नेक्स्ट वन इज 70, नेक्स्ट वन इज 40, नेक्स्ट वन इज 10. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फिल करना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा. तो नाउ से द नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जो लिस्ट में जो फर्स्ट टर्म है 100 है, सेकंड टर्म कितना है 70, एंड थर्ड टर्म इज 40. द नेक्स्ट नंबर्स आर इज स्मॉलर दैन द प्रीवियस वन बाई 30. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 नंबर जो है 30 इस फर्स्ट वन से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस किया जा रहा है. तो जो 17 माइनस 40, तो क्या मिला हम लोगों को, 70 माइनस 30 40, 40 माइनस 30 10. अब 10 से हम लोग क्या करेंगे, 30 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द माइनस 20. अगेन माइनस 20 एंड माइनस 30, तो माइनस 20 एंड माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस 50. क्या हो जाएगा, माइनस 50. द नेक्स्ट वन माइनस 7 माइनस 4. यहाँ पे क्या है, नंबर इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे भी नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट द साइन जो सिंबल्स है बिफोर द नंबर इज सेम. तो 7 के बाद कितना है 4. तो नाउ माइनस 7 प्लस 3 विल गिव यू द माइनस 4. यहाँ पे प्लस 3 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 3 को ऐड कर रहे, देन वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर. तो माइनस 4 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ग्रेटर नंबर इज 4. तो बिफोर दैट 4 देर इज अ माइनस, तो द माइनस 1 विल बी ऑब्टेंड एज आंसर. तो माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे क्या रिलेशन है, हम लोग सेम नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर ऑब्टेंड कर रहे हैं. इसमें भी क्या हम लोगों को रिलेशन मिला, सेम नंबर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं दैट नंबर इज नेगेटिव. तो जो ऐड करते हो नंबर, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव, और दैट कैन बी जीरो ऑल्सो. तीनों चीज़ें हो सकती हैं जो ऐड कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में माइनस 30 ऐड कर रहे हैं, मीन्स इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30. सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें अभी हमने देखा कि फर्स्ट टर्म इज माइनस 7, सेकेंड वन इज माइनस 4. तो हियर वी आर एडिंग द 3 को ऐड कर रहे हैं हम लोग. तो इनडायरेक्टली जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एडिशन, एक नंबर ग्रेटर है नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है, यहाँ भी इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्शन हो रहा है. बट फर्दर जब आगे देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट 3 आर एडेड टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर. बिकॉज यस हियर 3 आफ्टर क्या है 5, 5 आफ्टर क्या है 8. ओके, तो 3 में 3 2 में 3 ऐड करने के बाद 5 मिला, 5 में 3 ऐड करने से क्या मिला हमको, 8 मिला. ये हमको फिल करना है. तो हियर इन दिस सीक्वेंस द सेम नंबर इज एडेड टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, 4 4 4 4 4. नाउ 4 प्लस 0, if we add 0 to the previous one, then only we get the next 4. Again 4 plus 0, then only we will get the 4. So here the 4 is added. So from all these three examples, we have concluded that the number that we add to obtain the next number may be negative, may be positive, or may be 0. Ye teeno ho sakta hai. Now this number that we add to obtain the next number is called the common difference. इसी को हम क्या बोलते हैं, common difference. And this is denoted by the letter D. इसी को small d से हम लोग क्या करते हैं, denote करते हैं. Now all these three examples in which the same number are added to obtain the next number is sequence, as well as all these examples are the example of the arithmetic progression. ये सीक्वेंस भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है. बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेंड होता है ओनली द सेम नंबर्स ऐड करके.
हर जगह जो डिफरेंस है ईच कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बिटवीन दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट सेम रहना चाहिए. तो दैट सिक्वेंस ओनली कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर डिफरेंस इज नॉट कॉमन, यू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट रूल और फॉर्मूला. जो रूल और फार्मूला प्रेजेंट है, डेफिनेट रूल और फार्मूला, उससे आप नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं. बट इफ द सेम नंबर इज नॉट एडेड टू ऑब्टेन द नेक्स्ट वन, तो दैट सीक्वेंस विल रिमेन, दैट लिस्ट ऑफ नंबर ओनली रिमेन द सीक्वेंस, नॉट विल बी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ सी द एक्टिविटी. राइट वन एग्जाम्पल ऑफ द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी. एपी मीन्स व्हाट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Now example 1, which of the following sequence are AP? Question mark है. हम लोगों को क्या करना है यहाँ, find out करना है कि कौन सा sequence AP है and कौन सा नहीं है. Which of the following sequence are AP? कौन से sequence AP है? And if it is an AP, find the next two terms. अगर वो AP है तो उसके क्या करने हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों को कोई भी टर्म्स किसी भी पोजीशन में फाइंड आउट करना है एंड इफ ए वैल्यू एंड एन वैल्यू इज नोन, देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इन टू डी. एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सी द फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर 5, 12, 19, 26. 5, 12, 19, 26. This is the list of number. And we have to find out which list of number or which sequence is AP and which is not. Kaun sa AP hai, kaun sa nahi. And if it is in AP, so we have to find out two more terms of that sequence. Now, to find out the given sequence is AP or not AP, we have to find out the difference between each conjugative terms. हर एक conjugative terms में हम लोगों को क्या find out करना रहता है, difference. Now see the first sequence 5, 12, 19 and 26. Now see, in the sequence 5, 12, 19, 16, the first term, the first number in the given sequence is called the first term and denoted by T1. So now first term in the this given sequence is 5. So this is denoted by T1. T1 is equals to 5. And second number is 12. This is represented or denoted by T2. So T2 is equals to 12. And third one T3. T3 is equals to 19. And if you want to write the T4. So T4 is 26 here. T4 kitna hai? 26. Because there are the four numbers are given and dot 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 is given, means so on. So this list is infinite. Yahan pe kya hai uska jo lower is lower boundary is decided, but upper boundary is not decided. Jo iska last number hai wo pata nahi hai. So ye kya hai? Infinite hai. Now हम लोगों को चेकआउट करना है, फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिकेटिव टर्म्स. तो नेक्स्ट टू प्रीवियस वन निकालना है. ओके, फर्स्ट टू नेक्स्ट वन का डिफरेंस नहीं लिखना है हम लोगों को, और नेक्स्ट टू प्रीवियस वन का डिफरेंस लेना है. एंड इफ दिस डिफरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, then only that sequence will be called as the AP, otherwise not. So find first term is 5, second term is 12, third term is 19 and fourth term is 26. Now T2 minus T1, 12 minus 5. GR नहीं पता होगा सर. तो T2 माइनस T1, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7. T3 माइनस T2, तो 19 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 7. एंड द वन नंबर इज स्टिल रिमेनिंग, तो T4 माइनस T3. बिकॉज वाइल फाइंडिंग दैट द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट, वी हैव टू
find out the difference between each conjugated terms. Because if the difference between any one conjugated term is not same, then that sequence will not be an AP. तो वो AP होगा नहीं. तो इसलिए जितने terms है सभी terms का difference हम लोगों को find out करना है. तो now 44 is 26, 26 minus 19. So 26 minus 19 is equals to 7. Now see the difference is constant and it is 7. So here the first term is 5 and the common difference is the 7. So that's why the given sequence is AP. Now here we have to find out the next two terms. So now 26 is the fourth term. To obtain the fifth term, we have to add the common difference to the fourth term. उसमें फोर्थ टर्म में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस. तो 26 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 33 एंड द नेक्स्ट टर्म अभी फिफ्थ निकाला. अभी क्या निकालना है, सिक्स टर्म फाइंड आउट करना है. तो सिक्स टर्म विल बी 36 प्लस 7. जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, नेक्स्ट टर्म मिल जाता है. ओके, अंडरस्टूड कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 3.1. प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है, कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी, इफ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कौन सा ए पी है और अगर ए पी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. प्रैक्टिस सेट 3.1. प्रैक्टिस सेट कितना है, 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी एंड इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो क्या है, 2, 4, 6, 8. ये फर्स्ट सीक्वेंस है. अब हम लोगों को क्या करना, डिसाइड करना है कि ए पी है या नहीं है, और ए पी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी हम लोगों को बताना है. तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग. नाउ सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे, इन द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 इन द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. क्या है सो ऑन है, मतलब ये कंटिन्यू हो रही है ये लिस्ट. ओके, इन द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय t1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमा t2 मींस सेकंड नंबर इन दैट लिस्ट. t2 इज इक्वल्स टू 4, t3 इज इक्वल्स टू 6, t4 इज इक्वल्स टू 8. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. डिफरेंस में क्या होगा, नेक्स्ट टू प्रीवियस वन. ओके, ये ध्यान में रखना हमेशा, वो पहला वाला नंबर छोटा है या बड़ा है वो नहीं देखना है. तुमको क्या ध्यान में रखना है कि जो नेक्स्ट नंबर से ही प्रीवियस वन क्या होगा, माइनस होगा. प्रीवियस से नेक्स्ट वन को माइनस करना नहीं है, मतलब जो सक्सीडिंग नंबर है सक्सीडिंग से क्या करना है, प्रीसीडिंग वन को माइनस करना है. तो t2 माइनस t1 क्या है, 4 माइनस 2. तो ग्रेटर नंबर 4 है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. नाउ सेकेंड t3 माइनस t2 t3 is 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. ये 2 हो गया. नेक्स्ट जो नंबर है t4 माइनस t3
Now T4 is 8. 8 minus 6 is equals to 2. Now see the differences is constant. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं, टू टू टू, तीनों में सेम डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस. तो T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2. तो हियर वी विल राइट in the given sequence the difference between each conjugative terms in the given sequence the difference between each conjugative terms is constant. यहाँ पे हर एक conjugative term के between जो difference आ रहा है वो क्या है, constant. In the given sequence, the difference between each conjugative terms is constant. Therefore, the given sequence, is an AP. तो given sequence AP है. तो here we have to write down the constant term also. तो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 2. d की वैल्यू कितनी है, 2 है. क्लियर हो गया. तो हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू डिसाइड द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट. नाउ सेकंड एग्जांपल, 2, 5/2, 3, 7/2, सो ऑन. तो यहाँ पे दो वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 वे से इसको देख सकते हैं. Now 2, 5/2, 3, 7/2. Now if you convert 5/2 into decimal form, so you will get the 2.5 and the 7/2 is 3.5. So this list can be written as 2, 2.5. 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5. Next is 3 and 3.5 and so on. तो ये हो गया है, सिंपल फॉर्म में आ गया. अभी अब क्या दिख रहा है आपको, 2 के बाद में 2.5 है, मीन्स दोनों में गैप कितने का, डिफरेंस कितने का, 0.5 का. नेक्स्ट वन इज 3, तो 3 और 2.5 में कितने का गैप है, 0.5 का. एंड 3 और 3.5 का भी क्या है गैप, 0.5 का है. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो डिफरेंस है, गैप जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है. गैप क्या है, कॉन्स्टेंट. तो दैट्स वाई Yes, this is the NAP. AP क्या है, एक AP है, arithmetic progression है. Now write down in the sequence 2, 2.5, 3, 3.5, so on. T1 is equals to 2, T2 is equals to 2.5. T3 is equals to 3 and T4 is equals to 3.5. क्या है, T1, T2, T3, T4 मिल गया. अब क्या करेंगे, differences find out करेंगे. T2 minus T1. Now T2 is 2.5. 2.5 minus 2 is equals to 0.5. T3 is 3. 3 minus 2.5. So 3 minus 2.5. अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 2.5, तो 3 के बाद में हम पॉइंट रख के क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं. तो द वैल्यू विल नॉट चेंज इफ वी राइट द 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से एक बोरो किया तो 10 हो गया. 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ क्या बचा, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो दिस करस्पॉन्ड्स टू 0.5. Now next one is T4 minus T3. T4 is 3.5. 3.5 minus 3 is equals to again 0.5. So here the difference between each conjugative term is constant. So that's why the given sequence is an AP. So AP hoga and difference is 0.5. So here we will write that the difference between
डिफरेंस, अभी हम लोगों ने ये डिफरेंस ही इसका क्राइटेरिया है, बेस है इसको डिसाइड करने का कि जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है। क्या क्राइटेरिया है? उसका डिफरेंस। इसलिए एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं, वो उस डिफरेंस को मेंशन करते हैं कि डिफरेंस इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट। बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड, वी राइट इट इज एपी और नॉट एपी। द डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिकेटिव टर्म, ईच कॉन्जिकेटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो हर एक कॉन्जिकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। और डिफरेंस कितने का, d इज इक्वल्स टू 0.5। अंडरस्टूड? d क्या है, 0.5। और ये जो है सीक्वेंस क्या है, एपी है। दोनों डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मेथड सेम है, किसी लिस्ट में क्या होगा, फ्रैक्शंस होंगे किसी में, क्या होंगे नेचुरल नंबर होगा किसी में, क्या होगा मल्टीपल्स होगा किसी लिस्ट में, क्या होगा सेम नंबर्स होंगे। तो क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंसेस। और उसी के बेस पे हम लोग बोलेंगे कि है एपी और नहीं है एपी। नाउ थर्ड वन, थर्ड देखना है अभी हम लोगों को। थर्ड वन, -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2 कॉमा सो ऑन। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंसेस देखना है हम लोगों को। पहला नंबर क्या है -10, दूसरा क्या है -6। तो क्या कर रहा है इसमें, +4 का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, 4 का गैप है ना। 10 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 4 और 6 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। और -2 और 2 में कितने का गैप है, देखो -2 के बाद क्या आएगा, -1। -1 के बाद क्या आएगा, 0। 0 के बाद क्या आएगा, 1। देन क्या आएगा, 2 आएगा। तो 4 का डिफरेंस हुआ ना, -2 और 2 में कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का। मतलब अगर सेम नंबर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका एग्जैक्टली डबल। अगर -4 और 4 है, तो -4 और 4 में कितने का डिफरेंस होगा, 4 का, 8 का डिफरेंस होगा। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। इन सीक्वेंस -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2 सो ऑन। t1 मींस फर्स्ट टर्म इज -10 कॉमा t2 इज -6, t3 इज इक्वल्स टू -2 एंड t4 इज इक्वल्स टू 2। जो t4 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। डिफरेंस ही क्या है, क्राइटेरिया है उसको डिसाइड करने का। तो t2 - t1, आप देखो हमेशा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस वन को माइनस करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला वाला नंबर बड़ा दिखाई दिया तो उस बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो t2 - t1, t2 इज -6, नाउ इट इज नेगेटिव, तो पुट इन टू द ब्रैकेट। अगर ये नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में ले लो। फिर क्या होगा, बीच में क्या है, फॉर्मूले का माइनस है, t2 - t1। ये जो माइनस की साइन है, दैट टेकन इन टू ब्रैकेट, वो तो क्या है, इस नंबर के साथ है। अब बीच में क्या आएगा, फॉर्मूले में माइनस की साइन। तो t2 - t1, तो -6 माइनस, नाउ t1 कितना है, वो भी नेगेटिव है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बिफोर द -6 देयर इज पॉजिटिव नंबर, उस ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो दिस विल बी पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट द -6। नाउ बिफोर द 10 देयर आर द 2 नेगेटिव साइन, तो जो नेगेटिव साइन है बाहर और अंदर, वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस क्या मिलेगा, 10। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। नाउ 10 इज पॉजिटिव एंड 6 इज नेगेटिव,
So one is negative and one number is positive, so always we have to subtract from the greater number to a smaller number. 10 minus 6 is equals to 4, and greater number is 10 and it have the positive sign, that's why the difference will be plus 4. But here plus is writing the plus is not compulsory, but writing the minus sign is compulsory. Remember this. Now t2 minus t1 is found. We have to find out t3 minus t2. The t3 is minus 2. So minus 2, now it is taken into bracket because there is negative sign minus and 2. Now see, this 2 is positive. जो यहाँ पे आपको दिख रहा है t3 नेगेटिव है एंड इसके बाद में t2 क्या है माइनस सिक्स है. t2 क्या है माइनस सिक्स. नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस टू इंटू प्लस विल गिव यू द माइनस टू एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर नंबर इज 6 एंड बिफोर दैट देयर इज अ पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाई दिस विल बी पॉजिटिव. इसलिए ये पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट वन T4 minus T3. So T4 is 2. 2 minus T3. T3 is what? Minus 2. Now 2. This minus minus will become plus. 2 2 plus. Kya ho jayega? 4. So now see the common difference is 4 here. Yahan pe every time hum log ko kya mila hai? 4 mila hai. To isliye kya hai ye? This sequence is in AP. Isliye ye sequence kya hai? AP. The difference between each conjugative terms is constant. Therefore the given sequence is an AP. इसलिए given sequence क्या है, एक AP है full stop. Next क्या है, DB लिखना है ना, तो D is equals to 4. D की value कितनी आ गई, 4 आ गई. ये clear हो गया student. अब next one देखेंगे. Next example क्या है, अभी हम लोगों को first, second, third तीनों क्या मिला, AP मिल गया. Now fourth example. Example number 4, question number 4, 0.3, 0.33, 0.3033. Now see the 3, जो 3 है after the decimal. So in first number after the decimal point there is 3, in the next one there are the 2, 3, उसमें क्या है 2, 3 है, point के बाद में 2, 3 है. इसके बाद क्या है third वाले में, point के बाद में 0 है, फिर 3, 3 है. तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वन में करेक्शन है, 0.033 होगा. यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 3 है, तो दूसरे वाले में 0.33 है, तो तीसरे वाले में 0.0333 है. तो अब क्या करना है, इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है हम लोगों को. देखो ये क्वेश्चन में करेक्शन है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, 0.3, 0.33. थर्ड वाले में करेक्शन है 0.333, यहाँ पे 0 नहीं है, डेसिमल के बाद में डायरेक्टली 3 है. तो इन द फर्स्ट वन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर इज अ ओनली 1, 3 एंड सेकेंड वन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर आर द 2, 3 एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर आर द 3 times 3, इसमें 3, 3 तीन बार है. ठीक है, अब ये करेक्शन कर लेना है आपको भी कि क्या करेक्शन है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट प्रॉपर आंसर. अगर जरा सा भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगा दे, तो क्या है 0.333. ओके, अब क्या करना है हम लोगों को. ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. इन
in sequence 0.3, 0.33, 0.33, 0.33, T1 is equals to 0.3, T2 is equals to 0.33 and T3 is equals to 0.333. ठीक है, ये क्या है? T के values है and so on की sign भी है, so on. अब क्या करना है हम लोगों को? डिफरेंसेस निकालना है. तो डी इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन. डोंट राइट डी, ये डी नहीं लिखते हम लोग, समझो. तो टी टू माइनस टी वन, तो टी टू इज इक्वल टू 0.33 माइनस टी वन इज इक्वल टू 0.3. अब दोनों में डिफरेंस निकाल लेना है, 0.33 माइनस 0.3. अब देखो डेसिमल के बाद में इमीडिएटली जो है 3 है, इधर क्या है, इस यहाँ 0 लिख दो, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, 0.03 आ गया. ठीक है, 0.03 आ गया. नेक्स्ट टी थ्री माइनस टी टू, तो क्या है टी थ्री, 0.333 माइनस 0.33. अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, 0.333 माइनस 0.33. तो यहाँ पे एक नंबर कम है, तो यहाँ 0 रख देंगे. 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. नाउ द डिफरेंस इज 0.03. नाउ सी, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दिस 3 कम्स आफ्टर द 10 एंड हियर इट कम्स आफ्टर द 10. इसमें क्या हो रहा है, 20 के बाद में 3 आ रहा है, इसमें 10 के बाद में. तो क्या है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है. ठीक है, 0.03 ग्रेटर देन 0.03, ये ग्रेटर है, ये समझ में आ गया आपको. तो क्या है ये, अभी ये एपी नहीं है. रीजन क्या है इसका, कि द कॉन्स्टेंट कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंसेस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है. तो वॉट यू विल राइट हियर, the difference between each